नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा फॉरेस्ट विभाग की टीम ने चांदगढ़ रेंज में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे 10 लड़कों को पकड़ा है। उनके पास से पिकअप भी जब्त की है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। इस मामले को लेकर चांदगढ़ रेंज के फॉरेस्ट अधिकारियों ने जानकारी दी है। मुखबिर से उन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग चांदगढ़ रेंज में अवैध रूप से लकड़ी काट रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर तस्दीक कर एक टीम बनाई गई और तत्काल मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई। घेराबंदी करके आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों को पकड़ने के पश्चात उनके पास से वाहन भी जब्त किया गया है। अवैध रूप से काटी गई लकड़ी भी जब्त की गई है। और आपको बता दें कि इस मामले में फॉरेस्ट विभाग की टीम का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। आइए फॉरेस्ट अधिकारी ने क्या कहा, उनकी बात भी आपको सुनवा देते हैं। कहने पे काट रहे थे, क्या नाम इनका बता रहे, जोर से बता, तो कहाँ गया वो, तुम कहाँ के रहने वाले, इससे पूछो काटते थे क्या। सर गप्पू गप्पू, हमको गप्पू भेजता था। कहाँ रहता गप्पू? ये डोमरी डोमरी डोमरी। आप सब कहाँ के हो? हम खंडा के। कौन से जंगल में आपने कटिंग करी? कामा की। कितना माल था, क्या लेके जा रहे थे? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा था, छः डेली करते हो आप? डेली काम करते हैं। सागवान के थे, काई काई के थे झाड़? सागवान के पूरे सागवान थे। कितने झाड़ काटे थे, काई से ले जा रहे थे? नहीं सर, झाड़ कटे हुए थे उसको लेने, काई से ले जा रहे थे। काई से ले जा रहे थे, साधन क्या था? पिकअप से। ये खामला के ना, खामला के रहने वाले हैं आरोपी। और ये बता रहे हैं कोई गप्पा उर्फ दीपक नाम का एक साथी अपराधी है, ये उसी की गैंग के आदमी और उसी के कहने पे, इनके बताया अनुसार ये उसी के कहने पे काम करते हैं। ये पिकअप लेके आए थे रात को 11 बजे। और ये बीट कौन से जंगल, वो पश्चिम अंधारवाड़ी के कक्षा क्रमांक 280 में से इन्होंने सागौन के पेड़ काट कर पिकअप वाहन में भर के लोडिंग करके ये ले जाने की तैयारी में थे पूरी तरह से। और हमको सूचना मिली तो हमने इनको पकड़ के धर दबोचा और इनका प्रकरण बनाकर आज माननीय न्यायालय में खंडवा में हमने इसको इनको पेश किया है। माननीय न्यायालय द्वारा इनका जेल वारंट काट दिया गया। अब हम इनको जेल में सुपरत करने के लिए ले जा रहे हैं। ये पहली बार कर रहे हैं, लगातार करते हैं? नहीं, ये इन्होंने, ये तो अभी तो ये पहली बार हमको ये पकड़ में आए हैं। लेकिन ये पूर्व में बता रहे हैं ये लोग कि हम रंगपंचमी पे भी आए थे लेकिन हम भाग गए थे। हम आए थे लेकिन हम खाली वाहन लेके भाग गए थे। अभी कितने आरोपी पकड़े? अभी ये 10 आरोपी पकड़ा है। सर इसमें सराहनीय कार्य करने वाली टीम के कुछ नाम बता दीजिए। सराहनीय कार्य करने वाले में इसमें है अपने उमेश राठौर वन परिक्षेत्र अधिकारी चांदगढ़ सामान्य, और गरीबदास चौरसिया उपवन क्षेत्रपाल, लोकेश वर्मा वनपाल, दीपक वर्मा वनपाल, और प्रदीप प्रजापति वनरक्षक, और जय मौर्य वनपाल, और चंद्रराव पवार उपवन क्षेत्रपाल, और महेश सालवे वनपाल। ये टीम है और इन्हीं टीमों ने घेराबंदी करके इनको पकड़ के और आज हम न्यायालय में लेके आए हैं। आपका परिचय बताइए। मैं चंद्रराव पवार उपवन क्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र चांदगढ़ परिक्षेत्र सहायक भेटखेड़ा। नेशनल ऑटोमोबाइल्स मोगट थाने के सामने यामा की बाइक और हरिगंज में सभी कंपनियों की बाइक स्कूटी और ई बाइक के लिए संपर्क करें अथवा शोरूम पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। कुछ अच्छे ऑफर्स भी मौजूद हैं, उनका लाभ भी ले सकते हैं।